हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। दीपावली की खुशियों के बीच आज इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक दुखद खबर से। राजनांदगांव से एक बड़ी और दुखद खबर मिल रही है। खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह का निधन हो गया है। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। तो सीने में तकलीफ के चलते खैरागढ़ अस्पताल उन्हें लाया गया था। रात 2:30 बजे गृहग्राम उदयपुर से खैरागढ़ अस्पताल उन्हें लाया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली और आज दोपहर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खैरागढ़ पैलेस से अंतिम यात्रा निकलेगी। बता दें कि वर्तमान में JCCJ से खैरागढ़ के वो विधायक थे और 1995 से लेकर 1998 तक खैरागढ़ से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। 1998 से 2003 तक खैरागढ़ से मध्य प्रदेश विधानसभा और छत्तीसगढ़ विधानसभा के भी सदस्य रहे और 2007 से 2009 तक राजनांदगांव लोकसभा के सदस्य रहे। तो बड़ी दुखद खबर, विधायक देवव्रत सिंह का निधन। आपको बता दें कि 1998 से 2003 तक वो सदस्य रहे मध्य प्रदेश से विधानसभा के। 2018 में JCCJ में वो शामिल हो गए थे। वर्तमान में JCCJ से खैरागढ़ के विधायक थे देवव्रत सिंह। 1995 से 1998 तक खैरागढ़ से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे और 1998 से 2003 तक खैरागढ़ से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे। आलोक शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, बेहद ही दुखद खबर यहां मिल रही है। क्या कहा जाए और लोगों की क्या प्रतिक्रिया, राजनीतिक जगत में इसे कितनी बड़ी क्षति देखा जाए? जी, जैसे ही तड़के सुबह ये खबर फैली कि खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह का देहावसान हो गया है, शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि राजनांदगांव जिले की राजनीति में उनकी तूती बोलती थी। वे लगातार सक्रिय थे। 1995 से 1998 मध्य प्रदेश के विधानसभा के विधायक रहे हैं, यहाँ पे खैरागढ़ कांग्रेस से। उसके बाद तो 2003 में फिर चुने गए और अब ये सांसद भी रहे हैं। 2007 से 2009 कांग्रेस के ही टिकट से, 2018 में JCCJ में शामिल हो गए। तो ये बता दूं कि यहाँ काफी लोकप्रिय थे और युवा थे, युवा में काफी लोकप्रिय थे। इससे इनकी देहावसान की खबर सुनकर खैरागढ़ विधानसभा और संपूर्ण राजनांदगांव में शोक की लहर है। जी आलोक, बहुत युवा नेता और बहुत युवा चेहरा आप भी देख रहे हैं, हम भी जानते हैं, और युवाओं के बीच बहुत ये पॉपुलर थे, और लेकिन इतनी कम उम्र में, क्या उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी? क्या बहुत समय से बीमार थे या सडनली ऐसा हुआ? जी, ये बीमार नहीं थे, युवा थे और एक्टिव रहते थे। ये क्रिकेट सकते हैं कि लगातार वो खेल में भी सक्रिय रहते थे। बिल्कुल, वो इसमें फिलहाल वो उनकी तबीयत ठीक थी। अचानक अब रात को 2:30 बजे के आसपास उनको तकलीफ हुई तो उन्होंने अपने PA को फोन लगाया कि खैरागढ़ अस्पताल पहुंचो करके, और तब उनको तुरंत वहां पे खैरागढ़ अस्पताल ले लाया गया। इस दौरान ही उनकी मेजर हार्ट अटैक था, डॉक्टरों का कहना है, उनकी मौत हो गई। जी, इसे कितनी बड़ी क्षति माना जाए? हालांकि JCCJ के विधायक थे लेकिन उनका झुकाव पूरी तरीके से कांग्रेस में था और कांग्रेस में भी उनकी काफी उनका महत्व था। अभी भी उनके समर्थक बहुत से कांग्रेस में थे। जी बिल्कुल, इससे आप इसी से ही अंदाजा लगाइए कि 1995 से वो लगातार विधायक रहे हैं, फिर उसमें सांसद रहे हैं, अभी फिलहाल JCCJ के विधायक रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खैरागढ़ की राजनीति में उनके जाने के बाद एक शून्य पैदा हो गया है। वो इस शून्य को भरने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और खासकर राजनांदगांव जिले के। आपको यहाँ पर रोकेंगे, इस वक्त विधायक प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत ही दुखद खबर है प्रमोद जी, जो खबर मिल रही है, एक युवा और साथी विधायक आपके नहीं रहे, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसे अपूर्णित क्षति है ये, और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन बहुत ही बड़ा आघात हुआ है हम लोगों को। बड़े भैया देवराज सिंह जी का जो कद, जो व्यवहार, उनका जो सहयोग करना, एक हमेशा मेरे को छोटे भाई की तरह हमेशा ठीक किए, मेरे हर सुख दुख में खड़ा रहे। एक कहा जाए मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा अजीत जोगी जी के जाने के बाद
देवराज सिंह जी ही सर्व कुछ थे हमारे लिए, और मेरे लिए तो खासकर बहुत ही दुखद घटना है, और मैं नहीं समझता इसका कोई राजनीतिक पूर्ति हो सकेगा। बहुत दुखद घटना है और बहुत अपूर्णिक क्षति है, और इस वक्त पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन प्रमोद जी, ऐसा कोई मूवमेंट, ऐसा कोई घटनाक्रम या ऐसी कोई उनकी पर्सनालिटी में खास बात थी जो आप शेयर करना चाहेंगे? माननीय देवराज सिंह जी ही मेरे सर्वप्रिय नेता थे। माननीय अजीत जोगी जी के जाने के बाद मैंने अपना नेता माना था। देवराज सिंह जी का ही आकर्षण जो था, जो कांग्रेस के प्रति इन्हीं के साथ में ही पूरे इनके संबंध को लेके, इनके जो व्यक्तिगत छवि को लेके, उनके उन्हीं के हिसाब से हम लोग पूरा दिशा निर्देश से काम करते थे। अब आगे की सोचना राजनीति के बारे में तो अब बहुत ही दुखद होगा। बिल्कुल, और बहुत युवा नेता थे, युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर थे, लोग उन्हें बहुत युवा नेता के तौर पर पसंद करते थे। मैं उनके साथ एक बार देखा हूँ, मैं उनके साथ देवराज सिंह जी के बारे में ये देखा था कि उनके संबंध बहुत अच्छे थे, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे भाजपा को हो, उनके संबंध बहुत ही प्रगाढ़ थे। चाहे विरोधी भी उनसे इतने प्रेम से बात करता था, और जो पक्ष वाले थे वो भी मतलब एक बहुत प्रगाढ़ संबंध वाले थे, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे उनके। बिल्कुल, उनके क्षेत्र की बात करें, उनके क्षेत्र के बीच वो युवाओं के बीच कितने पॉपुलर थे, कितना कुछ उन्होंने काम किया, आपको क्या लगता है अपने क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? क्योंकि राजाओं के बारे में कहा जाता है कि राजघराने से थे तो राजाओं के साथ ये होता है कि वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते आम आदमी से, लेकिन इनका इनकी छवि कैसी थी? इनकी बता रहे कि व्यक्तित्व के धनी थे, इनकी छवि के सामने मेरे ख्याल से अगर इनका कद देखा जाए तो सारे नेता बोने थे। उनका लेवल अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े स्तर के नेता थे, उनसे क्षेत्र के बारे में तो अपने क्षेत्र बहुत ही प्रेम करते थे, और क्षेत्र वाले भी बहुत चाहते थे उनको। बिल्कुल, क्षेत्र वाले बहुत चाहते थे। मुद्दों को किस तरीके से उठाते थे? क्योंकि विधानसभा में आप लोग साथ बैठते थे, मुद्दों को किस तरीके से वो सदन में उठाते थे? बहुत अच्छे ढंग से रखते थे। अगर मान ले कि सरकार कुछ गलत करे तो गलत बोलते थे, सरकार सही बोले तो सही करते थे। वो मतलब किसी के पक्षपात में नहीं रहते थे, वो निष्पक्ष जो सही या गलत वाली बात ये जायज बात करते थे विधानसभा में, और हमेशा हम लोग को दिशा निर्देश देते थे कि इनको इसके ऐसा बोलना है, इसके बारे में ऐसा बोलना है, मतलब हर चीज के लिए दिशा निर्देश करते थे, और बहुत सही गलत सोच समझ के बोलते थे वो। चलिए, तो बेहद दुखद खबर। प्रमोद जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलोक शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, जिस तरीके से हम प्रमोद शर्मा जी से बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों को वो लेकर आते थे, सदन में रखते थे, आप स्थानीय तौर पर कैसे देखते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं अपने क्षेत्र में जिस पर उन्होंने काम किया है? जो मैं बता दूं कि अभी अभी वर्तमान में वो लगातार खैरागढ़ विधानसभा में सक्रिय रहते थे, नक्सल प्रभावित एरिया भी है काफी कुछ, वहां भी वो बेबाकी के साथ जाते थे और लोगों के से इंटरेक्ट करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो संवाद करने में मास्टर थे, संवाद करने में वो सबसे अव्वल थे। यही कारण है कि हर गांव के लोगों से उनका परिचय था, और उसको प्यार से लोग बाबा बाबा कहते थे। जिस तरीके से उनका जाना हुआ तो एक शोक की लहर दौड़ गई, खासकर खैरागढ़ विधानसभा में जो शून्य पैदा हुआ है उसको देखते हुए काफी खैरागढ़ विधानसभा में जो शून्य पैदा हुआ है उसको देखते हुए काफी कमी महसूस होगी राजनीति में उनका। जी आलोक जी, जिस तरीके से मैंने प्रमोद जी से भी चर्चा की थी, तब उनसे भी सवाल किया था, क्योंकि राज परिवार से होने के नाते जो एक दूरियां होती है जो जनता से, क्या वो सारी चीजें उनमें दिखती थी, उनका जो इंटरेक्शन था, या फिर वो जनता के बीच जाके उनके बीच ऐसे खड़े होते थे जैसा उनके साथ है? जी बिल्कुल, इस मायने में वो काफी अलग थे। वो महल में पैदा जरूर हुए थे, महल से राजनीति उन्होंने शुरू की थी, लेकिन वो चूंकि एक क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट के से काफी उनका लगाव था, और क्रिकेट खेल के चलते ही उन लोगों से, हर गांव के लोगों से, युवाओं से जुड़े रहते थे, और वो संवाद लगातार करते रहते थे। यही कारण है कि वो खैरागढ़ विधानसभा में काफी लोकप्रिय थे, चाहे वो इसी कारण वो विधायक लगा लंबे समय तक विधायक रहे कांग्रेस से, उसके बाद कांग्रेस से ही उन्होंने लोकसभा सदस्य जीती, उसके बाद अभी जेसीसी जी जैसे उन्होंने विधायक का चुनाव जीता। इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि खैरागढ़ में विधानसभा में वो काफी लोकप्रिय, उनके बराबरी का कोई नेता नहीं था। जी आलोक जी, आप चूंकि यहाँ पर लंबे समय से देख रहे हैं, तमाम खबरों को भी कवरेज करते रहे, उनके राजनीतिक जीवन में ऐसे कौन कौन से टर्निंग पॉइंट हैं जिन पर चर्चा आज की जा सकती है या उस वजह से उन्हें याद किया जा सकता है? जी वो मैं बता दूं कि पूरा वो घराना ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, और जिस तरीके से 2018 में वो अजीत जोगी के साथ वहाँ उसे कांग्रेस से निकल गए थे और लगातार सक्रिय भी रहते थे,
और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सभी सभी पार्टियों के नेता से उनका सीधा जुड़ाव था, सीधा सीधा यानी अपनी खैरागढ़ विधानसभा की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए वो बिल्कुल गुरेज नहीं करते थे कि जिसके पास भी जाना हो, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो लगातार इस कोशिश में रहते थे कि खैरागढ़ विधानसभा के लोगों की सहायता की जाए और यहाँ पे विकास की जो राह है उसको और लंबी की जाए। जी आलोक जी, दिवाली का पर्व जो मातम में बदल चुका है, लेकिन अगर आज उनके अंतिम संस्कार की बात करें तो क्या सूचना है, कौन कौन आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता है? जी मैं बता दूं कि जिस तरीके से वो लोकप्रिय रहे हैं और चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएसएससी हो, और वो बेजोड़ थे संवाद करने में, लोगों से मेल मिलाप में, लोगों से मित्रता थे में, इसमें इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज उनकी अंत्येष्टि में जो कि महल खैरागढ़ नगर में संगीत नगरी के जो महल है वहां से उन रवाना होगा। शिव मंदिर है वहां पे, जो पारिवारिक जो राजघराने का जो शवदागृह है वहां वहां पर जो यात्रा निकलेगी। और इसमें लगातार सूचना ये आ रही है कि सभी अधिकांश जो बड़े नेता हैं, जो सभी पार्टी के नेता हैं, वहां काफी भीड़ जुटने वाली है उनको संवेदना प्रकट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। आलोक जी, ये बीती रात 2:30 बजे की ये घटना है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा कि अब वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे में लोगों की प्रतिक्रियाओं की बात करें, खासतौर पर आप बता रहे हैं युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं। मैं बता दूं आपको, सोशल मीडिया में जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से, चूंकि ये दिवाली का समय था, कि आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही वो फेसबुक में अपनी अपनी बेटी सताक्षी जो घर के सामने रंगोली लगाई थी उसके बारे में उन्होंने पिक्चर डाला था और अपनी बेटी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कमेंट्स किया था और वो सोशल मीडिया में भी काफी काफी सक्रिय रहते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों से सीधा सीधे उनको संवाद था और यही वजह है कि राजनांदगांव जिले में जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है काफी दुख प्रकट कर रहे हैं। सोशल आजकल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, उसमें काफी शोक प्रकट कर रहे हैं और लोगों का हर कमेंट्स में यही कहना है कि अभी कल ही बात हुई थी, परसों ही बात हुई थी, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो संवाद करने में माहिर थे और यहाँ के राजनांदगांव जिले के लोगों के लिए काफी काफी बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल बड़ी क्षति है। और एक राजघराने के एक युवा नेता, क्योंकि लोगों के बीच बहुत पॉपुलर रहे और खासतौर पर युवाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय रहे और साथ ही साथ क्षेत्र के लिए उन्होंने बेहतर काम किया, सदन में मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाया। आलोक जी, अगर ये देखा जाए कि आज के जो अभी तक की अपडेट बताएं, आज के कार्यक्रम तक की अपडेट। जी मैं बता दूं, जैसे ही अभी अभी खबर आई है कि 12 बजे के आसपास। आलोक जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे। भगवानु नायक इस वक्त JCCJ के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपकी पार्टी के एक युवा विधायक का निधन हो गया, भगवानु जी आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? निश्चित से ही हम लोग इस समाचार से काफी स्तब्ध है, बहुत दुखी है और ये बहुत ही दुखद घटना है। माननीय देवव्रत जी एक युवा विधायक रहे हैं हमारी पार्टी के, कांग्रेस इस्तीफा दे के हमारे विधायक रहे हैं और अपने क्षेत्र का उन्होंने लगातार प्रतिनिधित्व किया है। राजनांदगांव से वो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी थी जितनी कम उम्र में उन्होंने काफी पहचान बनाई, लगभग 4 बार वो विधायक रहे, FCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और हमारे लिए बहुत ही ये दुखद और बहुत ही एक समाचार सुनकर के हमें यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र में उनकी इस प्रकार से निधन हो जाएगी। हम सब बहुत दुखी है, हमारी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, राजनांदगांव क्षेत्र में शोक का लहर इस समाचार। भगवानु जी, जो पार्टी JCCJ की गठन की बात करें, क्योंकि शुरू से ये साथ में जुड़े रहे, अजीत जोगी जी के साथ जुड़े रहे, जब ये नई पार्टी का गठन हुआ तो उस समय लोगों को एक साथ करना और अब विधायकों को जोड़ के रखना, अपने साथ के लोगों को जोड़ के रखना एक बड़ी चुनौती थी JCCJ के सामने। क्या खास बात उनके अंदर थी और क्या वो चाहते थे, किस तरीके का बदलाव प्रदेश में चाहते थे, क्या लगता है? वो माननीय जोगी जी से उनको काफी प्रेम था, जोगी जी के विचारों को वो मानते थे। वो छत्तीसगढ़ में एक नया परिवर्तन, छत्तीसगढ़ में नई पार्टी बनने के बाद उनमें जो है जोगी जी के अंदर उन्होंने एक उम्मीद देखी और कहीं ना कहीं जोगी जी के साथ इनका एक पारिवारिक संबंध भी रहा है, तो उन्हें एक छत्तीसगढ़ के अंदर में एक नई क्रांति, एक नई बदलाव लाने के लिए ही ये निर्णय लिया था, इसलिए पार्टी का गठन भी हुआ। और उन्होंने जोगी जी को मतलब उनकी बातों को वो मानते हुए और कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी से इस्तीफा देकर हमारी पार्टी में आना, उसके बाद एक नए चुनाव चिन्ह से वहां पर से जीत करके आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और ये बहुत ही बड़ी क्षति है।
क्योंकि देवव्रत सिंह जी की उम्र भी आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उम्र के रहे होंगे वो, और इतने कम समय में उन्होंने अपना जो नाम कमाया, उन्होंने जो एक राज परिवार में रहने के बाद भी आम लोगों से उनका जो जुड़ाव था, कांग्रेस पार्टी में भी आज भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे, पुराने जो लोग हैं उनके साथ, और एफसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक गलियारे में बहुत बड़ी क्षति और शोक की लहर दौड़ गई है। आपका जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए।